सवाल है फ्रेंड, पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि व्हाई ग्लैंड सील स्टीम प्रेशर इज मेंटेन लेस देन 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जो हम लोग प्रीवियस वाला जो वीडियो किए थे। तो ये क्वेश्चन जो है वो कई तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है कि लोअर साइड ही क्यों मेंटेन किया जाता है ग्लैंड सीलिंग स्टीम प्रेशर टर्बाइन का। ओके, ये भी पूछा जा सकता है कि वैक्यूम के जस्ट अबव क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो प्रेशर होता है वो जस्ट वैक्यूम से ऊपर ही होता है, ठीक है, और एटमोस्फेरिक से नीचे होता है। तो ये भी एक चीज़ जान के रखिएगा। तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि एक पैरामीटर दे देंगे जो आपका ग्लैंड सीलिंग का जो पैरामीटर मेंटेन किया जाता है, मान लीजिए अगर 0.2 kg/cm² है तो उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं कि इतना या इसके आसपास से क्यों मेंटेन किया जाता है, इससे बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा आपके टर्बाइन में या उसके कंपोनेंट्स में। ओके, तो चलिए इसी के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में देखेंगे कि आप इंटरव्यू में कैसे इसको इजीली जो है वो आंसर दे सकते हो। ओके, तो जैसा कि आप क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मान लीजिए ये एक टर्बाइन है और इसमें जो ये फ्रंट ग्लैंड है और जो रियर ग्लैंड में जो स्टीम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो ये एक निश्चित प्रेशर पे किया जाता है, निश्चित टेम्परेचर और निश्चित एक प्रेशर होता है। सपोज मान लीजिए कि अगर हम 0.2 kg/cm² का अगर प्रेशर दे रहे हैं, तो अगर ये प्रेशर हम इतना ही क्यों दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जैसा कि पैरामीटर से समझ में आ रहा है कि जस्ट एटमोस्फेरिक प्रेशर से नीचे है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर से नीचे ही क्यों दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई दे देंगे या बहुत ज़्यादा इससे लो कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, उसको हम लोग देखें। तो यहाँ पर देखिए, जो हम लोग ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे वो जस्ट एक इंटरव्यू बेसिस पर करेंगे। यदि इसका आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो इसका जो एक लिंक है वीडियो का जो मैंने प्रीवियसली बनाया था, उसका मैं लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हो। ओके, बाकी हम लोग देखिए इसको हम लोग आंसर जो है वो क्लियर करते हैं। तो देखिए, ग्लैंड सीलिंग प्रेशर शुड बी मेंटेन जस्ट अबव टर्बाइन कंडेंसर वैक्यूम एंड लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू प्रिवेंट स्टीम लीकेज, एयर प्रिवेंट एयर इंग्रेस, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, सेफ, रिलायबल एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ स्टीम टर्बाइन। यानी कि सबसे पहले तो ये चीज़ जानिए कि आपका जो ये प्रेशर मेंटेन किया जाता है ना, जो आपका कंडेंसर होता है उसमें जो वैक्यूम प्रेशर होता है उसमें आपका उससे जस्ट वो अबव होता है और जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है उससे जस्ट नीचे होता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ही रेंज जो है वो मेंटेन किया जाता है। आपका अगर टर्बाइन होगा तो आपने भी उसमें देखा होगा जो प्रेशर होगा, आप गौर कीजिएगा तो जस्ट वैक्यूम से ऊपर और एटमोस्फेरिक प्रेशर से नीचे होता है। क्यों किया जाता है, तो ड्यू टू प्रिवेंट स्टीम लीकेज, स्टीम लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट एयर इंग्रेस को रोकने के लिए, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन हमारा रहे जो भी अपना आपका सीलिंग वगैरह रहता है, ठीक है, साथ में आपका जो कंडेंसर होता है उसमें हायर प्रेशर ना हो जाए उसको भी प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो सेफ रहे, रिलायबल रहे और एफिशिएंट रहे, क्योंकि वैक्यूम अगर ड्रॉप होगा तो आपका कहीं ना कहीं टर्बाइन की एफिशिएंसी जो होगी वो डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपका ऑपरेशन जो होगा वो इनएफिशियंट हो जाएगा। तो वो ऑपरेशन आपका एफिशिएंट रहे, आउटपुट अच्छा मिले, इसलिए ग्लैंड सीलिंग को एक प्रॉपर प्रेशर के तौर पे मेंटेन किया जाता है जो भी उसका रेंज होता है। ओके, अब तो ये तो हो गया, बाकी अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए ग्लैंड सीलिंग प्रेशर इज टू हाई, अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हाई वाले को समझ लेंगे फिर लो वाले को समझेंगे। तो देखिए, हाई हो जाएगा तो क्या होगा कि एक्सेसिव स्टीम लीकेज, कि अगर मान लीजिए 0.2 मेंटेन करना है, हम 1 kg या 1 kg के ऊपर कर दिए तो स्टीम लीकेज होगा वो हाई हो जाएगा। कैसे, तो इसको इस थोड़ा सा डायग्राम में देखिए, ऑलरेडी जो इसका डिटेल वीडियो है उसमें डिस्कस है, लेकिन यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये टर्बाइन है, ठीक है, तो जो हम ग्लैंड सीलिंग का यहाँ से मान लीजिए हम ग्लैंड सीलिंग का जो है वो स्टीम दिए, तो उसका प्रेशर अगर हम 0.2 ना रख के एटमोस्फेरिक प्रेशर के जस्ट अबव रख दिए या उसके आसपास रख दिए तो क्या होगा कि यहाँ पर तो आपका प्रेशर हाई हो जाएगा और बाहर में जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो जस्ट इसके बराबर या जस्ट इसके नीचे हो जाएगा, यानी कि बाहर में लो हो जाएगा और अंदर में हाई है, तो स्टीम जो लीकेज होने का चांसेस जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे एक तो आपका स्टीम लीकेज होगा जिसमें आपका ऑपरेशन स्मूथ नहीं होगा, दूसरी चीज़ क्या होगा, आपका स्टीम का वेस्टेज होगा, स्टीम जो वेस्टेज होना, क्योंकि आप एक तरह से यहाँ पर हाईली जो स्टीम जो होता है जो बॉयलर से आ रहा है उसको आप यूज कर रहे हैं तो ऑलरेडी उसमें खर्चा हुआ है, तो एक तरह से स्टीम कंजम्पशन आपका जो होगा वो बढ़ेगा, आपका लॉसेस होगा, वो एक प्रॉब्लम है। क्या दूसरी चीज़ होगा कि रिड्यूस एफिशिएंसी, तो द लॉस ऑफ स्टीम ट्रांसलेट टू डिक्रीज टू ओवरऑल टर्बाइन एफिशिएंसी एक्स्ट्रा स्टीम कंज्यूम, मतलब वही चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पर जो हम स्टीम जो हमारा वेस्टेज हो रहा था जिसके वजह से एक तरह का एक ओवरऑल जो होगा वो लॉस होगा,
ठीक है, जो इफिशियंसी को डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट ओवरलोडिंग कंडेंसर। अब मान लीजिए कि द एक्सेस स्टीम लीकेज में इंक्रीज द लोड ऑन द कंडेंसर इंपैक्टिंग इट्स एबिलिटी टू मेंटेन एन इफेक्टिव वैक्यूम एंड पोटेंशियली रिड्यूसिंग द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम साइकिल। तो अगर स्टीम लीकेज ज़्यादा होगा ठीक है, तो इससे आपका जो वैक्यूम है, जो कंडेंसर में जो वैक्यूम होगा वो भी आपका इफेक्टेड होगा, जिससे आपका एफिशिएंसी जो होगी वो डिक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट है डैमेज ग्लैंड सील। अगर हम मान लीजिए कि जो एक्सेस प्रेशर का अगर हम स्टीम जो प्रोवाइड करेंगे तो जो सीलिंग होता है ना वो बहुत ही मतलब स्मूथ होता है, ठीक है, वो उसको कहा जाता है लिवरिंग सील। तो वो सीलिंग का हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में डैमेज होने का चांसेस रहता है, तो अगर वो डैमेज हो जाएगा तो पूरा आपका अनस्टेबल हो जाएगा टर्बाइन ऑपरेशन। तो उसको डैमेज होने से बचाने के लिए भी आपका प्रेशर को मेंटेन करना जरूरी है। तो अगर प्रेशर हाई करेंगे तो वो भी डैमेज होने का खतरा है, ठीक है, ये भी यहाँ पर जो है इसी में यही लिखा हुआ। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इफ़ ग्लैंड सील प्रेशर इज टू लो। अगर मान लीजिए ये तो हाई वाला केस देख लिया, अब लो वाला देखते हैं। तो अगर लो हो जाता है तो क्या होगा, तो सबसे पहली बात अगर लो हो जाएगा तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा वो होगा बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। कैसे कैसे इंक्रीज होगा, इंक्रीज का मतलब होता है कि बाहर का अंदर बाहर का जो एयर है एटमॉस्फेरिक एयर वो टर्बाइन के अंदर आएगा, और ये जनरली आपका जो रियर साइड में होता है, मतलब इस साइड में जो आप देख रहे हैं। तो देखिए कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट आपका कंडेंसर लगा होता है, यानी कि यहाँ पर आपका वैक्यूम क्रिएट होता है, यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर होता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर हम जितना हमको प्रेशर मेंटेन करना चाहिए उससे अगर हम रखेंगे तो नीचे यहां पर तो ऑलरेडी वैक्यूम है ही, तो आपका आप प्रेशर तो उसी के आसपास मेंटेन कर रहे हैं, यानी यहां पर प्रेशर तो लोअर साइड हो जा रहा है और बाहर में आपका क्या है हायर प्रेशर है, तो हायर प्रेशर वाला जो एयर है वो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर की तरफ आएगा। इसलिए हम एक ऐसा प्रेशर डिसाइड करते हैं कि हमारा हमारा काम भी हो जाए, मतलब एयर इंग्रेस भी ना हो और हमें कोई दिक्कत भी ना हो, ना ही स्टीम लीकेज हो और ना ही एयर इंग्रेस हो। तो ये देखा गया कि जस्ट जो वैक्यूम प्रेशर के ऊपर रखेंगे और एटमोस्फेरिक प्रेशर के नीचे रखेंगे तो ये आपका काम जो है वो बन जाता है। ओके, इसलिए आपका उतना प्रेशर जो होता है वो रेंज होता है और उसी रेंज में मेंटेन करना पड़ता है। तो ये तो एक हो गया आपका एयर इंग्रेस वाला प्रॉब्लम। ओके, अब एयर इंग्रेस होगा तो क्या होगा, तो एयर के साथ ऑक्सीजन होगा जो कि आपका कंडेंसर के जो मेटेलिक ट्यूब वगैरह रहते हैं उसके साथ ऑक्सीजन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और साथ में क्रोजन इफेक्ट करेगा। ओके, तो वो भी उसके लिए लाइफ जो होगा वो उसका अच्छा नहीं होगा, लाइफ उसकी घटेगी कंडेंसर की। नेक्स्ट है डिक्रीज कंडेंसर परफॉर्मेंस। अब एयर आ जाएगा तो आपका कंडेंसर का वैक्यूम डिक्रीज होगा, जिसके वजह से आपका जो एक तो वैक्यूम डिक्रीज होगा जिसके वजह से आपका टर्बाइन का एफिशिएंसी जो होगा वो कम होगा, उसका आउटपुट जो होगा कम होगा, ठीक है, तो जिसके वजह से ये भी एफिशिएंसी के तौर पे अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है अनस्टेबल ऑपरेशन। अब देखिए लो सील प्रेशर अगर हम करते हैं तो एक तरह का लोअर प्रेशर वाला जो सीलिंग होता है वो एक फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका ऑपरेशन जो टर्बाइन पूरा जो ऑपरेशन होता है ना वो अनस्टेबल हो जाता है, तो वो भी सही नहीं है। इसलिए एक प्रॉपर प्रेशर को मेंटेन करना यहाँ पे ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जो भी यहाँ पर जो स्टीम कंजम्पशन जो है वो बैलेंस रहे, साथ में एयर प्रिवेंट जो एयर इंग्रेस होगा वो प्रिवेंट रहे, ठीक है, स्टीम लीकेज ना हो और साथ में हम टर्बाइन का परफॉर्मेंस ऑप्टिमल वैल्यू पे रहे और उसकी लॉन्गेटिविटी भी रहे, यानी कि वो लॉन्ग टर्म तक स्मूथ चलता रहे, उसमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना है। ओके, तो सिंपली है, जैसे आपको अगर इंटरव्यू में बोलना है तो आप ये वाला जो लाइन है वो पूरा बोल सकते हैं, बाकी आपके बेसिक के लिए ये पूरा डिस्कशन था। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका आंसर को समझे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ना हमें और ऐसे ही कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप लोग अगर इस तरह का वीडियो देखते हैं तो आप लोग इसको लाइक भी कीजिए, और आप लोग को लगता है कि कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा है, या आपको लगता है कुछ कमी है तो उसके बारे में भी आप सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। ठीक, आपके लाइक और आपके कमेंट से हमें ये क्लियर होगा कि जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो ये कंटेंट दे रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, नहीं तो मुझे तो पता नहीं चल पाएगा ना कि क्या मैं सही दे रहा हूँ क्या नहीं दे रहा हूँ, आपके लिए वो हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग जो भी आप लोग वीडियो देखिए, आप लोग उसको लाइक और एक कमेंट जरूर किया कीजिए। ओके, तो आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।